हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विमल एजुकेशन पर। आज हम करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई है ना, और किस तरीके से लोगों के अंदर एक एकता वाली भावना पैदा हुई। तो ये सारी बातें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में अच्छी तरीके से देख ली थी, पढ़ लिया था। अगर आप में से किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है ना, यानी कि पिछला पार्ट नहीं देखा है, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग पिछला पार्ट भी जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पार्ट, जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये पार्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको समझा दूं कि पहला जो कारण बना था ना लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने का, वो यही बना था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो हमेशा याद रखना, पहला कारण जो लोगों के अंदर फीलिंग जगाने के लिए बना था, अपने देश के प्रति प्यार, एकता वाली भावना जो पैदा हुई थी लोगों के अंदर, तो उसके पीछे जो कारण रहा था ना, तो पहला कारण कह लो या चिंगारी कह लो, वो यहीं से शुरू हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले आप लोगों के सामने आ जाता है एक मोटिवेशनल मैसेज। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो काफी अच्छा आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आप लोगों का पार्ट नंबर 2, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। कब हुआ था ये? 1914 से लेके 1918 तक चला था, 1914 में स्टार्ट हुआ था। किन के बीच में हुआ था? अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल थी? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। और क्यों हुआ था ये? तो आपने स्टोरी पढ़ी होगी द बाल्कन्स। क्या था बेसिकली वहां पे कि नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे काफी ज्यादा थे, तो उन्हीं को बटोरने के चक्कर में, लूटने के चक्कर में इन दोनों के बीच में आपस में क्या हो गया, एक जंग छिड़ गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, ठीक है ना। फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। तो आप देखोगे कि जिस टाइम ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, उस टाइम इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स का, यानी कि ब्रिटेन का क्या था, गुलाम था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914 एंड एट दैट टाइम इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि उस टाइम पे इंडिया क्या था, ब्रिटिश रूल के अंडर था। इट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। अब इस युद्ध ने क्या किया, इस युद्ध ने नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी इंडिया के अंदर। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाई द वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब देखो हुआ क्या, अब ब्रिटेन भी क्योंकि इस युद्ध में शामिल था, तो ब्रिटेन ने युद्ध के लिए जो सामान चाहिए होता है, यानी कि बंदूकें वगैरह ये सब जो चाहिए होता है, डिफेंस एक्सपेंडिचर वगैरह है ना, तो इसको करने के लिए उसने युद्ध के नाम पे लोन ले लिए और साथ ही साथ टैक्सेस को बढ़ा दिया। इंडिया के अंदर की बात हो रही है, टैक्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो आप देखो, एक तो युद्ध के नाम पे लोन ले लिए उसने और साथ ही साथ टैक्स को भी क्या कर दिया उसने, बढ़ा दिया। आगे क्या किया इसने, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया और इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया, यानी कि उसे इंट्रोड्यूस किया गया, लेकर आए, यानी कि जो ब्रिटेन, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, इनकम टैक्स एक्ट लागू कर दिया, लेकर आ गए वो। प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 to 18, यानी कि 1913 से 18 के बीच में क्या हुआ था कि प्राइस जो थे ना गुड्स के, वो डबल कर दिए गए। मान लो अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का है, तो 20 रुपए में वो प्रोडक्ट मिल रहा था किसको, इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों को। एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल, तो जितने भी कॉमन पीपल थे ना, उन लोगों के लिए काफी कठिनाइयां पैदा हो गई थी। प्राइसेस डबल हो गए, टैक्स बढ़ गए, ये हो गया, कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है ना, इनकम टैक्स एक्ट जो था वो इंट्रोड्यूस हो गया, तो काफी ज्यादा लोगों को ना दिक्कतें होनी शुरू हुई। और तो और क्या हुआ, द पीपल ऑफ अ विलेज वर फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इनटू द आर्मी फॉर द वॉर। तो ऐसे में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि गांव से उठा उठा के लोगों को ना जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया कि भाई आप हमारे लिए लड़ाई करो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ है ना, तो आप हमारे लिए लड़ाई में पार्टिसिपेट करो। ऐसे में अब गांव वाले लोगों को ना काफी गुस्सा आ गया, जो रूरल एरियाज में जो लोग थे उनको काफी गुस्सा आ गया कि भाई युद्ध हमारा हो नहीं रहा, युद्ध हो रहा है इंडिया के बाहर और उनमें जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, तो हम तुम्हारे लिए क्यों लड़े। तो ऐसे में लोगों को बड़ी दिक्कत आ गई, गुस्सा आ गया लोगों के अंदर। तो यहीं से ना एक चिंगारी बन गई लोगों के अंदर ये बात आने की कि भाई अंग्रेज जो हमारे साथ कर रहे हैं वो काफी ज्यादा गलत कर रहे हैं,
तो यहां से लोगों के अंदर ना क्या आनी शुरू हो गई, समझ आनी शुरू हो गई, समझदारी आनी शुरू हो गई कि भाई अंग्रेज हमारे साथ काफी ज्यादा गलत कर रहे हैं। आगे क्या होता है, आगे आप देखेंगे। देन इन 1918-19 and 1920-21 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अब हुआ क्या, देखो 1918-1920 इसमें क्या हुआ था कि जो फसलें थी ना वो बर्बाद हो गई थी, है ना, खराब हो गई थी। अब खराब जब फसलें हो जाती है तो जाहिर सी बात है जब अनाज उगेगा ही नहीं तो लोग खाएंगे क्या, तो ऐसे में खाने पीने के सामान की भी ना काफी ज्यादा क्या हो गई थी, फूड आइटम की शॉर्टेज हो गई थी, काफी ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी। और एक सेंसस निकाला गया 1921 में जो हर 10 साल में होता है, तो उसमें यह पता किया गया, पता चला कि 12 से 13 मिलियन जो लोग थे ना वो मर चुके थे। किस वजह से, वहां पे सूखा पड़ गया था और साथ ही साथ एपिडेमिक यानी कि एक महामारी भी फैल गई थी। तो महामारी और सूखे की वजह से, इन दोनों की वजह से क्या हुआ था कि 12 से 13 मिलियन लोगों की जो थी वो क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अब 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो लोगों को ये लगा कि भाई अब तो अंग्रेज हमारे ऊपर ध्यान नहीं देंगे, है ना, सॉरी ध्यान देंगे, अब लोगों को ये लगने लगा कि अब तो अंग्रेज हमारे ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि अब तक तो वो युद्ध में बिजी थे 1914 से 1918 तक। अब जब युद्ध खत्म हो चुका है 1918 में तो लोगों को ये उम्मीद थी कि अब अंग्रेज हमारे ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, अंग्रेजों ने इंडियंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया नहीं। अब ऐसे में इंडियंस को एक बड़े लीडर की आवश्यकता थी, और वो लीडर कौन थे इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो आप नेक्स्ट पार्ट में जरूर समझना, ठीक है, तो कि वो लीडर कौन थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक अपना रोल प्ले किया। तो यहां तक आप लोगों का पार्ट नंबर 2 खत्म हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने इतना जान लिया कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इफेक्ट था वो इंडिया के ऊपर भी पड़ा, इंडिया के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर साफ साफ दिखाई दिया, और कैसे लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने सोच लिया कि हमें कुछ मूवमेंट्स स्टार्ट करने पड़ेंगे, इनके अगेंस्ट फाइट करनी पड़ेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए एक पहला कारण बना था, है ना। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना नोट्स असाइनमेंट के लिए। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, बाय।